अब आता है कि हमें सारा डाटा डिलीट करना है टैली का, या फिर एक पास से दूसरी पास पे लेके जाना है, यानी आपने क्लास में कुछ काम किया उसको डाटा को कॉपी करना चाहते हो, या फिर आप उसको पूरा कैप्चर करके अपने घर वाले टैली वाले सिस्टम में डालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर दें टैली को। मिनिमाइज करने के बाद माई कंप्यूटर पे जाएं, और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आप सी ड्राइव में जाएं, सी ड्राइव में जाने के बाद यूजर पर जाएं, यूजर पर जाने के बाद पब्लिक, पब्लिक पे जाने के बाद टैली ERP 9, देन डाटा, और ये रही आपकी फाइल्स। आप चाहे तो इनको सिलेक्ट करके कॉपी करके पेन ड्राइव में ले लें और अपने घर वाले पीसी में जाकर डाल दें, या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं यहां से राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, ठीक है, या शिफ्ट के साथ डिलीट कर दें। अब जब आप अपना टैली ऑन करेंगे और सिलेक्ट कंपनी को एंटर करेंगे, तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी नजर नहीं आएगी।